ਰੁਕਰੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਸੀਪੀ ਤੇਜਾ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੋ। हालांकि अपील जरूर की गई है, लेकिन यकीनन लोगों ने जिन्होंने अपनी रिजर्वेशन कराई है ट्रेनों में जाना, उन्होंने मुश्किलें पेश आनगियां, लेकिन इतने 4 घंटे के लिए आवाजाई पूरी तरह बंद किया जाएगा। सो अपने मुआवजे की मांग उन्होंने वालों की जा रही है। वधीकीकरण वाले डीसीपी तेजा के खिलाफ भी सख्त एक्शन की मांग पीड़ितों वालों की जा रही है। अजय विचार बेहद रोस पाया जा रहा है और इसको लेके ही इतने हुण सरकार के खिलाफ हल्ला बोलन का फैसला किया गया है। सो 11 बजे तो 4 बजे तक जलंधर लुधियाणा हाईवे रेलवे दोहां ते ही जाम जड़ा कीता जाएगा, चक्का जाम कीता जाएगा, जे विचकार मुश्किलां दा सामना राहगीरां नूं यकीनन करना पवेगा। लतीफपुरा उजाड़े तो बाद जो लोग है वह नीली छत हेठां रहण नूं मजबूर ने, भावें ठंड है भावें मीह पै रिहा है, ते उहनां दीआं आपणीआं दिक्कतां ने, ते इस लई इत्थे जो आवाज़ बुलंद कीती जा रही है जो उहनां नाल गलत होया उस दे लई। ते सवेरे 11 बजे तो शाम 4 बजे तक इत्थे जो है आवाज़ बुलंद कीती जाएगी, अपने हक लई इत्थे लड़िया जाएगा। साढ़े सहयोगी पतरस जुड़ गए ने। पतरस, जिस तरह के नाल लतीफपुरा विच वेख्या गया सी, किस तरह उजाड़ा किया गया सी, उस तो बाद ही जो लोग है उत्थे रहिंदे सन वह परेशान नज़र आए, तो अज आवाज़ बुलंद की जाएगी, मंग की जाएगी मुड़ वसेबे दे लई। पूरा अपडेट चाहवांगे। बिल्कुल, देखो 9 दिसंबर की सवेर नूं लतीफपुरा वसनीकां दे घर तोड़े गए सन स्थानक प्रशासन दे वल्लों, यह आख के कि यह लोग इत्थे नजायज़ तौर ते बैठे ने और 9 दिसंबर तो वह लोग लगातार खुले असमान हेठा जिंदगी बसर कर रहे हैं। बार बार प्रशासन दे नाल मीटिंगां भी हुईयां और इस दौरान सरकार दे वल्लों इन्हां नूं फ्लैट देण दी एक सहूलत का वादा भी किया गया, एक ऐलान भी किया गया, पर लोगों ने फ्लैट लैन तो साफ इनकार कर दिता। आख्या जा रहा है कि असी जिथे वसे आ रहे हैं पिछले 70 सालों तो उत्थे ही रहेंगे, उत्थे ही असी अपने घर बनाने द्वारा, और हाले तक कोई गल जी किसी कंडे बंदे नहीं लगी। तो अज एक बार फिर लतीफपुरा जो वसनीक है वह नैशनल हाईवे जाम कर जा रहे हैं। अपने दर्शकों को दस दिए कि दिल्ली जम्मू वाला जो हाईवे है पिंड धनोवाली के कोल नैशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक 4 घंटे के वास्ते इन्हों के वालों बंद किया जाएगा। और जिस तरीके नाल नवे साल वाले दिन तुसीं देखिया सीगा कि 1 जनवरी वाले दिन ये सड़कां दे उत्ते बैठे सन तकरीबन 4 घंटे, उसे तरीके नाल मुकम्मल तौर पर आवाजाई ठप रहने वाली। और जिहड़े लोग जलंधर तो लुधियाने वालों, जलंधर तो दिल्ली वालों, जां लुधियाने तो अमृतसर वालों आउणा है जिन्हां ने, उन्हां नूं उस समय के दौरान रूट डाइवर्ट करने पैणगे, डाढ़ी मुश्किल का सामना करना पै सकता क्योंकि अज 4 घंटे के वास्ते यह नैशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद रखने का ऐलान किया गया। और आख्या जा रहा है इन्हां लोगों के वालों कि जब तक पंजाब सरकार के वालों साडी मंग नहीं मनी जाती, जब तक साडा मसला नहीं हल किया जाता, इसे तरीके नाल जिहड़ा संघर्ष है वह जारी रखा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इस दे नाल राहगीरां नूं बड़ियां दिक्कतां पेश आने वाली ने, लेकिन सरकार के खिलाफ खासी नाराजगी भी पाई जा रही है, रोस भी पाया जा रहा है, जिस चलदे ही अज हल्ला बोलिया जा रहा है। क्या सरकार वालों किस तरह की इस स्थिति तो बचने लिए कोई कदम चुका जा रहा है? पत्रस, देखो सरकार वालों कोई भी कदम हाले तक जिहड़ा वो नज़र नहीं आ रहा, जिहड़ा कुछ चुकया गया हो, चाहे मीटिंगां दी गल है, जरूर प्रशासनिक अधिकारियों के वालों मीटिंगां जरूर कीतियां जांदियां ने, पर जिहड़े वसनीक ने लतीफपुरा दे वह बिल्कुल भी संतुष्ट नज़र नहीं आए इन्हां मीटिंगां दे विच। और जितों तक पिछले दिनों दौरान चाहे नवे साल वाले दिन की गल हैगी है, चाहे हुण क्योंकि नवे साल वाले दिन ही इन्होंने अनाउंस किया 16 जनवरी के अज के धरने का, अज के हाईवे जाम कर, और इसे 15-16 दिन दौरान कोई दोबारा किसी गल कोई कंडे बंदे नहीं लगी, इन्हों इस जी कोई कोशिश नहीं की गई कि इस धरने टालिया जा सके, इस हाईवे रोकण तो इन्हों लोगों रोकया जा सके। पर यह लोगों के वालों आख्या जा रहा है कि हूँ ये आर पार की असी लड़ाई लड़ रहे हैं, बेशक साड़िया इतने कुछ बुजुर्ग आख रहे हैं कि बेशक वो इतने दम तोड़ देन खुले आसमान हेठा, पर इतों नहीं हटन, और जब तक सरकार के वालों इतने इन्होंने घर नहीं बना के दिए जाते तद तक ये जी आवाज़ इस तरीके बुलंद की जाएगी। हूँ अज लोगों मुश्किल जरूर आएगी, पर वेखना यह है कि हूँ सरकार के उत्ते अज के इस बंद का असर किन्ना होंगे, या फिर इन्होंने लोगों को हाले होर संघर्ष करना पैंदा अपने हक लैण दे वास्ते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पत्रस फिलहाल की जानकारी की हाले होर संघर्ष करना पेगा, जो हालात बने हुए हैं जिसनों लैके इतने इन्होंने हल्ला बोलन का फैसला किया, या सरकार स्थिति हथों बाहर निकलने तो पहला कोई कदम चुकती है, ये देखने वाली गल होगी।